हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपना फ़ोनपे अकाउंट बना सकते हैं। दोस्तों, ऐसे तो आपको यूट्यूब पर बहुत सी फ़ोनपे अकाउंट से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आपको फ़ोनपे अकाउंट को बनाने से लेकर फ़ोनपे अकाउंट को कैसे बैंक से लिंक करते हैं और फ़ोनपे अकाउंट के वॉलेट को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप फ़ोनपे अकाउंट से आपको किसी को पैसे भेजने हैं, बैंक में ट्रांसफ़र करना है, या फिर दोस्तों आपको कोई मोबाइल रिचार्ज करना या है, फिर और भी बहुत सी पेमेंट आप बड़ी आसानी से फ़ोनपे अकाउंट से कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप इसमें कैशबैक भी पा सकते हैं। मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप कैशबैक कैसे पा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको ये ऐप डाउनलोड कर लेनी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों एक लिंक दे रखा है, फ़ोनपे लिंक। तो दोस्तों, आप जैसे उस पर क्लिक करें, डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे प्ले स्टोर के, और यहाँ से आप बड़ी आसानी से इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों इसे ओपन कर लीजिए। जैसे दोस्तों आप इसे ओपन करेंगे तो आपके फ़ोन पे ऐप्स आपको शो कर देगी। जो भी आपके मोबाइल में सिम नंबर डले हुए हैं वो यहाँ शो हो जाएंगे। अगर दोस्तों आपको मैनुअली भी डालना है तो आप बड़े से मैनुअल भी डाल सकते हैं। मैं फटाफट से अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। दोस्तों, एक बात का आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपका बैंक अकाउंट में लिंक है। मैंने अपना वो मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद दोस्तों आपको इस पर स्विच बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो जो परमिशन मांगे उसे अलाउ कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका फ़ोन नंबर एक 5 डिजिट का OTP आएगा, उसे आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, वैसे तो ये फ़ोन अब ऑटोमेटिक रीड कर लेता है और नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाता है। दोस्तों, जो जो परमिशन है आप उसे पढ़कर अलाउ कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों हमारा फ़ोनपे अकाउंट बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, फ़ोनपे अकाउंट बनने के बाद जब तक वो किसी काम का नहीं है, जब तक उसमें हम बैंक अकाउंट लिंक नहीं करेंगे। तो दोस्तों, हमें बैंक अकाउंट कैसे लिंक करना है? तो बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए सबसे ऊपर हमें ये ऑप्शन दिखा देगा, ऐड बैंक अकाउंट। यहाँ पर क्लिक कर देना, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद बड़े आसानी से आप अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके में ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर चेक बैंक बैलेंस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से भी आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। आपको ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर दोस्तों जो भी आपका बैंक है आप देख लीजिए और उस पर क्लिक कर दीजिए। अगर दोस्तों आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर शो नहीं होता है तो आप सर्च में उसका नाम लिख सकते हैं और बड़े आसानी के साथ सर्च कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, मैं अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ इसमें PUN, मेरा पंजाब नेशनल बैंक है। ये देखिए दोस्तों, मेरा शो हो गया है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपके नंबर से बैंक अकाउंट की वेरिफिकेशन होगी, और उसके बाद दोस्तों इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको प्रोसीड टू ऐड पर क्लिक कर देना है। हाँ दोस्तों, आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है, आपका ये मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर से आपने अपना फ़ोन पे अकाउंट बनाना है, वही मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में ऐड होना चाहिए, तभी आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ पाएगा। उसके बाद दोस्तों हम प्रोसीड टू ऐड पर क्लिक कर देते हैं, और ये हमारा बैंक अकाउंट ऐड हो गया है। इसके बाद दोस्तों हमारी UPI पिन पहले से बनी हुई है, इसलिए मेरे में ऑप्शन आ रहा है रिसेट UPI पिन, मतलब रिसेट पिन। दोस्तों, अगर आपके में UPI पिन नहीं बनी होगी तो मैं दिखा देता हूँ आपके पास किस तरह का ऑप्शन होगा। आप रिसेट पिन पर क्लिक करके अपनी UPI पिन चेंज भी कर सकते हैं, और किस तरह चेंज करने का आपके सामने ऑप्शन आएगा, इस तरह का ऑप्शन आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हमें अपने बैंक के डेबिट कार्ड को लेना है, और वहाँ पर दोस्तों उसके ऊपर एक 16 डिजिट का नंबर होता है, उसमें से आपको लास्ट के 6 डिजिट यहाँ पर डाल देने हैं, और फिर अपने डेबिट कार्ड के यहाँ पर एक्सपायरी डेट डाल देने हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें दोस्तों आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। और साथ ही दोस्तों आपको अपनी डेबिट कार्ड, मतलब ATM कार्ड की पिन डाल देनी है। उसके बाद दोस्तों आपको इस ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर दोस्तों आप अपने हिसाब से अपनी UPI पिन सेट कर सकते हैं। दोस्तों, UPI पिन 6 डिजिट की भी हो सकती है, 4 डिजिट की भी, ये आपके बैंक के हिसाब से अलग अलग होती है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आपको यहाँ पर अपनी UPI पिन डाल देनी है। दोस्तों, ये UPI पिन ऐसी डालनी है जो आपको याद रहे, क्योंकि ट्रांजेक्शन जब भी आप करेंगे तो आपको ये UPI पिन यूज़ करनी होगी। फिर से आपको एक बार कन्फर्म करके ये UPI पिन डाल देनी है, और फिर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह दोस्तों आपकी UPI ID भी बन जाएगी और बैंक अकाउंट भी लिंक हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको डन बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, अगर हमें फ़ोनपे वॉलेट को एक्टिवेट करना है तो उसको कैसे करेंगे, उसके लिए दोस्तों हमें यहाँ प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों हमें स्क्रॉल करके नीचे जाना है, और यहाँ पर दोस्तों वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर दोस्तों हम कोई भी ID प्रूफ यूज़ कर सकते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, नरेगा जॉब कार्ड नंबर। आपके पास इनमें से कोई सा भी ID प्रूफ हुआ आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों उस ID का नंबर डाल दीजिए। उसके बाद अपना जो भी आपका नाम है उस ID पे वो डाल दीजिए, और सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। आपका फ़ोनपे अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगर हमें फ़ोनपे से किसी को पैसे भेजने हैं तो कैसे भेजेंगे, और बैलेंस चेक करना है तो कैसे करेंगे, सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमें 2 मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। अगर दोस्तों हम इस पर क्लिक करेंगे और प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे
तो हमें यहाँ पर वो सब कॉन्टैक्ट शो हो जाएंगे जिन जिसने फ़ोनपे अकाउंट ओपन कर रखा है। दोस्तों जो कॉन्टैक्ट शो हो रहे हैं इन सबके पास फ़ोनपे अकाउंट है और डायरेक्ट हम इस नंबर पर क्लिक करके फ़ोनपे के द्वारा उनको पैसे भेज सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं इस कॉन्टैक्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो भी अमाउंट डालूंगा और सेंड बटन पर क्लिक करूँगा तो इस बंदे को मेरे जो भी पैसे भेजूंगा वो मिल जाएंगे। इस तरह से दोस्तों हम मोबाइल नंबर के थ्रू बड़े आसानी से फ़ोनपे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हो सकता है दोस्तों किसी पे फ़ोनपे अकाउंट ना हो तो कैसे भेजेंगे उसके बारे में बताऊंगा। पहले चेक बैंक बैलेंस देख लेते हैं कैसे करते हैं। दोस्तों चेक बैंक बैलेंस पर क्लिक करते हैं, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें अपना बैंक के अकाउंट शो हो जाएगा। यहाँ पर हमें अपने बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है, उसके बाद दोस्तों हमें UPI पिन डालनी है, उसके बाद हमारे बैंक अकाउंट का बैलेंस शो हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर हमें किसी को बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको ऐड बेनिफिशियर अकाउंट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जिसको पैसे भेजने हैं उसके बैंक का नाम यहाँ पर डाल देना है, और उसके बाद दोस्तों उसका हमें अकाउंट नंबर डालना है। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ फिर से उसका अकाउंट नंबर डाल देना है। इसके बाद उसका IFSC कोड डालना है, जो भी उसके बैंक का IFSC कोड है। इसके बाद दोस्तों उसका नाम डालना है जिसको हम पैसे भेजना चाहते हैं, और फ़ोन नंबर और निक नेम ऑप्शनल है, लेकिन दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप फ़ोन नंबर और नाम डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों कन्फर्म बटन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको जो अमाउंट भेजना है वो डाल दीजिए और ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपके पास UPI पिन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर दोस्तों आपको जो UPI पिन आपने सेट करी थी वो यहाँ पर डालनी है, उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगी, जिसको भी आप भेजना चाहते हैं उसको 1 मिनट के अंदर वो पेमेंट मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगर आपको कोई मोबाइल रिचार्ज करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पर बहुत सारे कॉन्टैक्ट शो हो जाएंगे। यहाँ पर आप किसी भी कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करके उसका मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं या फिर सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप अपने बिजली का बिल जमा करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके बिजली का बिल जमा कर सकते हैं। अगर आप अपने DTH रिचार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके DTH रिचार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप बहुत सी पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट, इंश्योरेंस की पेमेंट, LPG की पेमेंट, लेकिन दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए किसके रिगार्डिंग आप कोई भी वीडियो चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, चाहे वो मोबाइल रिचार्ज से रिलेटेड हो, चाहे DTH रिचार्ज से या किसी भी तरह की पेमेंट से रिलेटेड, मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर दोस्तों आप इससे कैशबैक कमाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, कैशबैक के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह पेज ओपन होगा। यहाँ पर दोस्तों आप अपने फ्रेंड को इनवाइट कर सकते हो फोन पे इंस्टॉल के लिए। आपको यहाँ पर व्हाट्सअप पर क्लिक करना है। व्हाट्सअप पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने व्हाट्सअप पर क्लिक करके अपने किसी भी फ्रेंड को भेज देना है। जो आपका फ्रेंड आपके व्हाट्सअप पर सेंड किए हुए लिंक पर क्लिक करेगा और आप फोन पे इंस्टॉल करेगा तो आपको 100 रुपये तक कैशबैक मिलेगा। साथ ही दोस्तों आपके फ्रेंड द्वारा की गई पहले पेमेंट पर फ्रेंड को भी कैशबैक मिलेगा। इस तरह दोस्तों आप फोन पे पर अकाउंट बना सकते हैं, कैशबैक भी पा सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब या सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।